Welcome to our channel Good Luck Institute. Subscribe our channel and hit the bell icon for new English video updates. Hey guys, I am back. As I had promised to all of you guys that in my next video I'm gonna let you know about this question tags. And first I would like to tell you that why do we need this question tag? So jab bhi hum kisi bhi tarah ki confirmation lena chahte hain, or if you want to make someone agree with your point, then in that case we use question tags. Fine. In question tags ko hum apni Hindi language mein एक छोटा सा वर्ड ना यूज करके लास्ट में बनाते हैं, बट ये हम ना हम इंडियंस बोल सकते हैं, बट फॉरेनर्स इसके बारे में नहीं जानते, वो क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं. और ये क्वेश्चन टैग हमारे सिर्फ स्पोकन में ही यूज नहीं किया जाता है, ये क्वेश्चन टैग हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी यूज किया जाता है कई जगहों पर. जो हमारे 10th के, 12th के या अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन टैग यूज किया जाता है. तो आइए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन टैग हमारे इस्तेमाल होंगे कैसे. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन टैग जो है हमारा वो यूज किया जाता है कंफर्मेशन के लिए. किसके लिए यूज करेंगे? जस्ट टू मेक समवन एग्री, और सेकंड कंफर्मेशन. फाइन, इन दो चीजों के लिए हम इनको यूज करेंगे. अब ये क्वेश्चन टैग हमारे बनते कैसे हैं? जब भी आपने कोई अपना सेंटेंस बोला, आप किसी से अगर कोई चीज पूछते हैं, तो हमारा सिंपल वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा बनता है. सपोज मुझे बोलना है आपको, क्या आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो हम सिंपली बोलेंगे डू यू लाइक दिस वीडियो, और आर यू लाइकिंग दिस वीडियो. सिंपल. अगर मैं जनरली किसी से कोई सवाल पूछता हूं तो हम उस चीज को इंटरोगेटिव मानते हैं, जिसको हम अपना क्वेश्चन मानते हैं. लेकिन टैग क्वेश्चंस जो है हमारे, वो उस क्वेश्चन के बाद एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम आपकी कंफर्मेशन चाहते हैं या हम आपको अपने पॉइंट से एग्री कराना चाहते हैं. जैसा हमारा सेंटेंस है यहां पर, Is he hungry? ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ये सिंपल हमारा हो गया इंटरोगेटिव. बट अब हमारे यहां पर टैग क्वेश्चन कहां यूज किया जाएगा? अगर मैं बोलता हूं यू आर हंग्री, aren't you? तो ये जो है मेरा, यहां पे मेरा आएगा हिंदी में ना, इसका मतलब हुआ तुम भूखे हो ना, यानी तुम भूखे हो. ये तो मेरा सिंपल सेंटेंस हो गया, और उसी के साथ मेरा यहां पर ये टैग क्वेश्चन हमने लगाया यहां पर, जो हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है, या जो मैं आपसे कंफर्मेशन मांग रहा हूं कि आपको भूख लगी है या नहीं है. अगर मैं बोलता हूं कि जैसे मौसम बहुत अच्छा है, मैंने बोला इट्स नाइस वेदर आउटसाइड. फाइन, अब ये तो हो गया हमारा. अब इसको मुझे कंफर्म करना है, तो मैंने क्या किया, इजंट इट. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये लगा क्यों रहा हूं, ये जो मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नेगेटिव सेंटेंस अपना बना रहा हूं, ये मैं बना क्यों रहा हूं और कैसे बना रहा हूं? तो उसका एक हमारा छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको यूज करना है. जो भी आपका सेंटेंस है, सपोज हमारे पास यहां पर एक सेंटेंस है, तुम मुझे जानते हो ना, ये जो ना है यही हमारा क्वेश्चन टैग होता है, जो हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है. अब तुम मुझे जानते हो, दिस इज माय सिंपल इंडेफिनिट टेंस. फाइन, सो यू नो मी. फाइन, अब इस सेंटेंस के बाद हमारा सिंपल इंडेफिनिट के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज लगती है. तो हमें क्या करना है, अगर हमारा फर्स्ट पार्टी सेंटेंस अगर हमारा ये अफर्मेटिव है, तो हम जो अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसको हम यहां पे अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव बनाएंगे. तो हमारा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हमारा डू लगता है, तो हमने यहां पे लगा दिया डोंट. फाइन, फिर जो मेरा सब्जेक्ट है वो लास्ट में मैं यूज कर दूंगा. तो ये ऐसे बना, यू नो मी, डोंट यू. एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, रवि इज वेटिंग फॉर अस, रवि हमारा इंतजार कर रहा है ना. अब यहां पे मेरा इज हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने यहां पे लिख दिया इजंट. अब रवि जो एक मेरा नाउन है, इसका जो मैं प्रोनाउन बनाऊंगा, तो यहां पे मेरा आ गया ही, इजंट ही. फाइन, इस तरीके से हम अपना बनाएंगे. कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहीं पे ही. अब मान लो मेरा एक सेंटेंस है, आप पार्टी में आओगे ना, तो हमने क्या बोला, यू विल कम इन द पार्टी. फाइन, ये हमारा सेंटेंस बन गया. अब इसके लिए जो हमारी कंफर्मेशन होनी है, तो अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है विल है, विल और नॉट को हम शॉर्ट में यहां पे वांट लिख सकते हैं. अब हमारा यहां पे आ गया सब्जेक्ट यू, ये हमारा एक प्रोनाउन है, तो इसका एज इट इज हम यहां पर लिखेंगे. जैसे मैंने बोला द
water was hot. पानी गर्म था ना, अब पानी गर्म था, अब उस ना के लिए हम क्या करेंगे, इस was को हमने short में यहां कर दिया, wasn't it. Fine. जो हम ये short कर रहे हैं, want, will not का हमने want कर लिया, was not का हमने wasn't कर लिया, do not का हमने don't कर लिया, इसको हम बोलते हैं English reductions. मैं एक वीडियो प्रॉपर इन्हीं के ऊपर बनाऊंगा, इंग्लिश रिडक्शन के ऊपर, तो आपको साथ समझ में आएगा कि हर चीजें एक्चुअल में होती क्या है. तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हुए, जो हम हिंदी में अपने सेंटेंस के लास्ट में ना शब्द यूज करते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अ पर्सन, तो उस ना के लिए हमने किस तरीके से अपनी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया है. बहुत सारे सेंटेंसेस हैं हमारे, जैसे आप मुझे पसंद करते हो ना, यू लाइक मी, डोंट यू. आपको चाय पीना पसंद है ना, यू लाइक ड्रिंकिंग टी, डोंट यू. जैसे वो मुझे बुला रहा है ना, ही इज कॉलिंग मी, इजंट ही. इस तरीके से हम सारे अपने सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने मोडल्स के साथ यूज करके. जैसे आप तेज भाग सकते हो ना, यू कैन रन फास्टर, कांट यू. इस तरीके से हम सारा इसका इस्तेमाल करेंगे. अब तो ये मैंने बताया आपको कि अगर आपने टेक्स्ट क्वेश्चन का आप इस्तेमाल कर रहे हो और ये पार्ट जो है हमारा सेंटेंस का पॉजिटिव है, तो उसको आपको नेगेटिव बनाना होता है बाद में अपने टेक्स्ट क्वेश्चन को. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मान लो ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव होता है, तो अब हम टेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे. तो अब हम करने जा रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन टैग्स के जो सेंटेंस स्टार्टिंग वाले होते हैं, अगर वो नेगेटिव बने, तो आप अपने क्वेश्चन टैग्स को पॉजिटिव कैसे बनाओगे. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर. जैसे मैंने एग्जांपल बोला, मैंने उसे नहीं बुलाया है ना, मैंने उसे नहीं बुलाया है ना. तो अब ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस है हमारा आई हैव नॉट called him. Fine. ये हमारा present perfect sentence है हमारा, हमने उसको बना दिया. अब हमारा जो ये tag question है ना वाला, इसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरी helping verb है उसको मैंने positively यहाँ पे लिख दिया, have जो मेरा subject है वो यहाँ पर आ जाएगा. तो क्या बन गया हमारा, I have not called him, have I. ठीक है, एक और example लेते हैं हम. जैसे उन्होंने हमें नहीं बताया था ना, उन्होंने हमें नहीं बताया था ना. तो अभी हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, यहां आ गया दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अस. फाइन, अब यहां पे अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या जाएगा, हैड दे. अभी तक जो हमने बात करी है उसके अंदर मैं प्रोनाउन यूज कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आपका नाउन होगा तो कैसे उसको आप चेंज कर सकते हो. एक बार हमने एग्जाम्पल ले लिया, चाय मीठी नहीं थी ना, तो हमने क्या बोला, द टी वॉज नॉट स्वीट. फाइन, अब इसको हमने क्या कर दिया, कोमा लगा के हमने हमें क्या कर दिया, वॉज इट. इस तरीके से हमने इसको यूज किया. या एक बार गलत लेते हैं, जैसे मोनू तुम्हारा बचपन का दोस्त नहीं है ना, तो मोनू इज नॉट योर चाइल्डहुड फ्रेंड. अब इज ही, तो हमने क्या किया, जो हमारा मोनू एक नाउन था उसका जो हमने प्रोनाउन है वो यहां पर ही यूज कर लिया. ऐसे ही हमने जो टी अपना लिखा था, टी का जो हमने प्रोनाउन था वो इट यूज कर लिया. तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो क्वेश्चन टैग्स के अंदर. तो मैंने आपको दो चीजें बताई क्वेश्चन टैग के अंदर, कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का अगर पॉजिटिव आता है तो आपका क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनेगा, लेकिन अगर आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, तो आपको यहां पर इसको क्वेश्चन टैग को अपना पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं इंग्लिश इंटोनेशंस की. अभी इंटोनेशंस क्या होती है, उनका इस्तेमाल कैसा होता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं. Okay, after our question tags, now we are going to move towards the intonations. First, I would like to tell you what is intonation. As mentioned over here, intonation, the rise and fall of your voice in speaking is called intonations. Fine? So, whenever you are talking to somebody, sometimes you feel that your volume goes up. That is the rise of intonation. But when you are talking and your volume goes down, that is the fall of your intonation. I have made a graph over here. Intonation rising proves that you are 70% sure for the work you are going to do or you are asking from a person. I mean that you feel that the person who is with you will be 70% agree with you whatever the things you are telling him. And in this case, in the following, the person who is with you will be 30% sure with the work you are going to ask him. Fine. So, give an example, like it's raining heavily.
Isn't it? Fine. So my volume had gone up. That means it is the rise of my intonation. Fine. But if I say it's raining heavily, isn't it? Fine. Means I have been normal or sometimes below than normal. And I know the person who I'm asking about all these things or I'm telling him is not be that sure as I am. Fine. But in this case, if I tell somebody it's raining heavily, isn't it? Fine. That means I know that the person I'm telling about all these things will be 70% agree with me what I have told him. But in that case, the person I'm telling about this thing will only be 30% sure what I am telling him. Fine. So this is the intonation where we talk about the rising of voice and falling of our voice. And this question tags proves that you are talking about the fall of intonation or you are talking about the rise of intonation. So whenever you are taking your volume up in question tags, that means you are talking about the rise of intonation. But when you have normal intonation at the last in your question tag, that means you are talking about the fall of intonation. So fine. In this video we have completed two things. First, question tags. Again, I am telling you about the question tags, that the question tags are generally used when you want somebody to agree with you, you just want to make someone confirm about the thing you are telling him, or you just want to emphasize on a particular thing. Fine. And the second we have done is intonation. This is just it. Thank you so much for tuning on this channel.